नमस्कार दोस्तों, ये हमारा एडवांस एक्सेल का वीडियो नंबर 7 है जिसमें हम सीखेंगे स्लाइसर ऑप्शन का यूज करना। आ देखिए दोस्तों, आज मैं आपको छोटी सी ना एमएस रिपोर्ट बना के दिखाऊंगा स्लाइसर ऑप्शन की मदद से। दोस्तों देखिए, मेरे पास एक डेटा है, यहाँ पर लिखा हुआ है डिवाइस और यहाँ पर लिखा है टाइप, क्वान्टिटी, प्राइस और अमाउंट। अब देखिए दोस्तों, हमें इसमें छोटा सा एक एमएस रिपोर्ट बनाना है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, देखिए अब यहाँ पर मैं क्लिक कर रहा हूँ, यहाँ पर डिजाइन टैब का ऑप्शन नहीं आ रहा। तो मैंने आपको पहले ही बताया था, ये जो आपका टेबल है, ये एक्सेल इसको टेबल नहीं मानता है क्योंकि इसको डेटा मानता है। तो आपको टेबल में पहले इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा। उसके लिए आपको यहाँ पे क्लिक करना है, कीबोर्ड से आपको कंट्रोल टी प्रेस करना है, या तो आप होम में जाके यहाँ से फॉर्मेट एज ए टेबल में जाओगे और यहाँ से भी आप टेबल में इसको कन्वर्ट कर सकते हो। तो यहाँ पर क्लिक करोगे या कंट्रोल टी करोगे, देखिए ओके करते ही आपका देखिए टेबल में कन्वर्ट हो जाएगा। देखिए दोस्तों, इसको मैंने टेबल में कन्वर्ट कर दिया है। टेबल में कन्वर्ट करने के बाद जैसे मैं यहाँ पे क्लिक कर रहा हूँ, देखोगे यहाँ पे एक डिजाइन टैब का ऑप्शन आ गया है। वैसे स्लाइसर जो है आपको इंसर्ट टैब में यहाँ पे भी आपको स्लाइसर का ऑप्शन मिल जाएगा, या तो आप यहाँ पे क्लिक करोगे, डिजाइन टैब का ऑप्शन आ गया और यहाँ देखिए आपको स्लाइसर का ऑप्शन मिल जाएगा। यहाँ से भी ले सकते हो आप, इंसर्ट टैब में जाके यहाँ से भी आप स्लाइसर का ऑप्शन का यूज कर सकते हो। चलो मैं यहीं पर क्लिक करता हूँ, जैसे मैं यहाँ पे क्लिक करूंगा, देखिए दोस्तों यहाँ पे स्लाइसर आ जाएगा। अब मुझे इसमें क्या क्या चाहिए, मुझे चाहिए डिवाइस, टाइप और क्वान्टिटी। तो यहाँ पे हम कर देते डिवाइस, टाइप और क्वान्टिटी, और यहाँ पे हम कर देंगे बस ओके। जैसे मैं ओके करूंगा, देखिए यहाँ पे स्लाइसर का ऑप्शन यहाँ पे आ चुका है। अब यहाँ से हम इसको सेट कर लेते हैं अपने हिसाब से, ये देखिए इसको हम यहाँ पे सेट कर लेते हैं अच्छे से। अगर आपको कलर चेंज करना है इनका स्लाइसर का, तो यहाँ पे क्लिक करके आप इनका कलर भी चेंज कर सकते हो। देखिए यहाँ पे मैं कलर चेंज कर रहा हूँ इनका, ये देखिए मैंने कलर चेंज कर दिया है। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पे लिखा है डिवाइस, फिर लिखा है टाइप और फिर लिखा है क्वान्टिटी। अब देखिए दोस्तों, अगर मुझे गेम पैड का रिपोर्ट देखना है तो मैं गेम पैड पर क्लिक करूंगा, देखिए गेम पैड का रिपोर्ट आ गया पूरा। अगर मुझे कीबोर्ड का रिपोर्ट देखना है तो कीबोर्ड का रिपोर्ट आ जाएगा। देखिए अब देखिए, अगर मुझे इनपुट आउटपुट, हमारे पास दो डिवाइस है, अगर मुझे इनपुट का रिपोर्ट देखना है तो इनपुट पर क्लिक करेंगे, देखिए इनपुट का रिपोर्ट आ गया सारा। अगर मैं आउटपुट पर क्लिक करूंगा, देखिए आउटपुट का रिपोर्ट आ गया सारा। अगर मुझे देखना है इनपुट में माइक्रोफोन का सेल कितना हुआ है, देखिए माइक्रोफोन का यहाँ पे आ चुका है। अगर मुझे आउटपुट में देखना है तो यहाँ पे देखिए आउटपुट की सारी रिपोर्ट आ चुकी है। प्रिंटर का देखना है मुझे तो प्रिंटर का यहाँ पे देख सकता हूँ। तो ये दोस्तों छोटी सी एक एमआईएस रिपोर्ट है, और यहाँ पे इनपुट पे क्लिक किया। अगर मुझे देखना है 5 पीस वाले डिवाइस देखने हैं तो 5 पीस वाले, देखिए यहाँ पे दो डिवाइस है। मैं यहाँ 6 पीस पे क्लिक करता हूँ, 6 पीस वाले एक डिवाइस है। अगर मुझे 5 पीस और 6 पीस वाले दोनों देखने हैं तो यहाँ पे मैं कंट्रोल से क्लिक करूंगा, देखिए मैं 5 पीस और 6 पीस दोनों यहाँ पे क्वान्टिटी को फिल्टर करा सकता हूँ। अगर फिल्टर क्लियर करना तो यहाँ पे क्लिक करोगे, फिल्टर क्लियर हो जाएगा। आपको इनपुट आउटपुट दोनों देखना है तो आप यहाँ पे फिल्टर हटा दीजिए, आपको इनपुट आउटपुट दोनों दिखाई देंगे। अगर आपको जैसे मान लो इनपुट में गेम पैड और माइक्रोफोन और टच पैड का रिपोर्ट देखना है तो गेम पैड पे क्लिक करिए, कंट्रोल बटन दबाइए, माइक्रोफोन पे क्लिक करिए और टच पैड पे क्लिक करिए, देखिए आपको तीनों रिपोर्ट यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं अच्छे से। उसके लिए यहाँ पे क्वांटिटी का ऑप्शन भी है, देखिए क्वांटिटी के हिसाब से भी आप यहाँ पे फिल्टर करा सकते हो। फिल्टर क्लियर करना है तो सिंपल है, यहाँ पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे फिल्टर देखिए क्लियर हो गया है। उसके बाद इसमें एक छोटी सी कमी और है, जैसे यहाँ पे इनपुट पे मैं क्लिक करता हूँ तो डिवाइस का ना टोटल नहीं आ रहा है। अगर मुझे डिवाइस का टोटल भी करना है तो कैसे करेंगे टोटल, आज हम सीखते हैं। देखिए अगर मुझे इसका टोटल चाहिए, गेम पैड का टोटल चाहिए, उसके बाद प्राइस का टोटल चाहिए, क्वांटिटी का टोटल चाहिए, प्राइस का टोटल चाहिए, अमाउंट का टोटल चाहिए, तो टोटल कैसे करेंगे, देखिए पहले यहाँ से फिल्टर आप क्लियर कर दीजिए और यहाँ पे क्लिक करिए, और यहाँ पे फॉर्मूला लगेगा सब टोटल। यहाँ पे करेंगे हम सब टोटल, ब्रैकेट ओपन करेंगे, हमें सम करना है तो सम करने के लिए देखिए 9 प्रेस करना है, 9, और हमें सम करना है इस क्वांटिटी का, इसको सिलेक्ट करेंगे, ब्रैकेट बंद करेंगे और एंटर कर देंगे। देखिए दोस्तों इसका टोटल आ चुका है। प्राइस का भी टोटल करना है आपको तो इक्वल टू यहाँ लिखेंगे सब टोटल, ब्रैकेट ओपन, और यहाँ सम करने के लिए 9 प्रेस करना है आपको, कोमा, उसके बाद इसको सिलेक्ट करेंगे पूरे प्राइस को, ब्रैकेट बंद करेंगे और एंटर करेंगे। देखिए इसका भी टोटल आ गया। आप देखिए हमें इसका टोटल करना अमाउंट का, तो इसके लिए इक्वल टू करेंगे और यहाँ पे लिखेंगे सब टोटल, ब्रैकेट ओपन करेंगे और हम सम करना 9 लिखेंगे, कोमा, और सभी नंबर को सिलेक्ट करेंगे और ब्रैकेट बंद करके एंटर कर देंगे। देखिए हमारा इसका भी टोटल आ गया। अब देखिए दोस्तों ये जो सब टोटल होता है, अगर जब हम फिल्टर का इस्तेमाल करेंगे ना तो ये हमारा आंसर गलत नहीं आएगा, तो इसलिए हम सब टोटल का फॉर्मूला लगाया मैंने। अगर आपको वीडियो नहीं देखा आपने सब टोटल कैसे यूज करते हैं तो आप पहले वीडियो देख लीजिए ताकि आपको अच्छे समझ में आ जाए सब टोटल क्या होता है। अब देखिए दोस्तों अगर मैं इनपुट पर क्लिक करता हूँ, देखिए इनपुट का रिपोर्ट दिखाई दे रहा है और साथ में इनका देखिए टोटल भी आपको दिखाई दे रहा है, क्वान्टिटी का,
प्राइस का अमाउंट भी देखिए टोटल दिखाई दे रहा है। अगर मैं आउटपुट पे क्लिक करता हूँ देखिए क्वांटिटी का टोटल भी आ रहा है यहाँ पे, और यहाँ प्राइस का भी टोटल आ रहा है, और देखिए यहाँ पे अमाउंट का भी टोटल आ रहा है, और यहाँ पे देखिए आउटपुट डिवाइस सारी यहाँ पे रिपोर्ट आ रही है। अगर आउटपुट में मुझे देखना है एलसीडी प्रिंटर और स्पीकर का रिपोर्ट, तो एलसीडी पे क्लिक करेंगे, कंट्रोल का बटन दबाएंगे, प्रिंटर पे क्लिक करेंगे और स्पीकर पे क्लिक कर देंगे। देखिए दोस्तों तीनों का यहाँ पे एलसीडी प्रिंटर स्पीकर का रिपोर्ट यहाँ पे दिखा रहा है। क्वांटिटी बता रहे कितना सेल हुआ है, 6 पीस 7,000 रुपये का 42,000, और देखिए इनको टोटल करोगे 7, 6, 13, 13, 9, 22, देखिए इसका टोटल आ रहा है, प्राइस का भी टोटल आ रहा है और अमाउंट का भी टोटल आ रहा है। यहाँ पे मैंने कौन सा फॉर्मूला लगाया है, सब टोटल। अगर मैं सम का फॉर्मूला लगाता तो इस तरह से टोटल नहीं आता दोस्तों। इस तरह का स्लाइसर का यूज़ करके आप छोटा सा एक MIS रिपोर्ट बना सकते हो। आगे हम बड़ा MIS रिपोर्ट बनाना भी सीखेंगे दोस्तों। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको लाइक शेयर कमेंट जरूर करें दोस्तों। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।